Good morning. Today is 16th October 2018 and we are going to discuss the editorial of the Indian Express. आज सबसे पहले देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट आए हैं। पहला आर्टिकल होगा जिसमें हम लोग जो है ये स्मॉग के इफेक्ट और खास करके जो है आज का जो डिस्कशन होगा वो कैंसर से रिलेटेड होगा। मतलब ये चीजें बहुत सोचने वाली बात है कि इंडिया जैसे देश में ये कैंसर जैसा बीमारी अब दिनों दिन इतना प्रचलित क्यों होता जा रहा है। हर 5 में से 1 आदमी मतलब फैमिली में आप सुनोगे वो कैंसर से पीड़ित है और कैंसर भी इतने टाइप का कैंसर, वाइड वैरायटी ऑफ कैंसर हो गया, तो ये क्या कारण है। और देखो चीजें तब स्टनिंग और भी ज्यादा हो जाती है कि जब हम सेलिब्रिटी को या फिर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को देखते हैं कि वो कैंसर से पीड़ित है, जबकि उनकी जो लाइफस्टाइल होती है, वो जो गेम खेलते हैं इतनी स्ट्रिक्ट होती है, फिर भी ये कैंसर हमारे देश में इतना ज्यादा क्यों फैल रहा है। तो इसे हम लोग पूरे डिटेल में आज समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल इसमें लिखा गया। दूसरा आर्टिकल होगा जिसमें हम लोग जो है ये फायर से रिलेटेड इशू, जो अभी अक्टूबर का मंथ होता है, पंजाब और हरियाणा के जो किसान होते हैं वो जो क्रॉप्स को जला देते हैं, तो उसके इफेक्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है उसे भी देखेंगे। और तीसरी आर्टिकल होगी जिसमें हम लोग नॉर्थ ईस्ट के रीजन का जो हम लोग देखते हैं एक्टिविस्ट पॉलिसी से, जो हम लोग नॉर्थ ईस्ट की ओर अब हम लोग डेवलपमेंट लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट का पेस इतना ही से नहीं होगा, हमें और भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें हम लोग जो जो चैलेंजेस बाकी रह गए हैं उन चैलेंजेस को भी हम लोग साथ में साथ देखने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट कैसे पहले के मुकाबले अब बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। तो पूरे आर्टिकल जो है ये तीनों आर्टिकल आज बहुत अच्छा है, तीनों को हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको कुछ क्वेरीज हो, आप अपने कुछ गाइडलाइंस मुझे देना चाहते हो या फिर हमारे डिस्कशन में कुछ चेंज आप चाहते हो करना हो, तो उन सारी चीजों के लिए आप हमारे जो ईमेल आईडी है veer.essb@gmail.com पर भी मुझे संपर्क कर सकते हो। तो स्टार्ट करता हूं आज का डिस्कशन। पहली बात देखो, डिस्कशन में आगे बढ़ू पहले 2-3 जो मैं पिक्चर्स इसमें लगाया उस पिक्चर्स को आप ध्यान से देखो। ये देखो इसमें सिगरेट की जो ये सबसे नीचे वाली पिक्चर है उसमें बोला गया कि 8 में से ऐसे जो 1 केसेस होते हैं कैंसर के वो किससे होते हैं, वो सिगरेट पीने से होते हैं। और 5 में से 1 जो 5 केसेस अगर कैंसर के पाए गए उसमें से एक कैंसर जो सिगरेट पीने से हो रहे हैं उसमें मतलब 100% वो है कि उसमें आपकी डेथ होनी ही होनी है। दूसरी बात कैंसर देखो ये बोला कि ओवरवेट, अगर आपका मोटापा आप में ज्यादा हो रहा है तो भी अपने कैंसर के प्रति आप जो है बढ़ते जा रहे हो यहाँ पर जैसे। और ये कैसे बताया जाए, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है सेल्स बनते हैं, और जब मोटे लोग जो होते हैं, जब ओवरवेट हो जाते हैं तो उसमें सेल्स फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है, और जब वो सेल्स फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है, देखो यहाँ पर एक सेल है, वो जब सेल्स फॉर्मेशन तो वो उसको इंटरप्रेट इस तरीके से करता है कि हम सेल्स को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए यूज करें। और जब यहाँ पर सेल्स जब डिवाइड होता है तो ये बीच का जो गैप होता है उस गैप में जो है ये चीजें कैंसर वाले जो चीजें होती है वो घर कर जाती है और धीरे धीरे फैलने लगती है। और जो ये कैंसर जैसी चीजें हैं ये आपको क्या हम मीट मतलब जो आप नॉन वेजिटेरियन जो मीट खाते हो इन सारी चीजों से भी हो सकती है, जैसे कि हो गया यहाँ पर सालामी हो गया, सॉसेज हो गया, बैकन हो गया, तो इसको ग्रुप ए में रखा गया है। और जैसे हो गया कि पॉर्क हो गया, बीफ हो गया, लैम्ब हो गया, इन सब चीजों को ग्रुप जो 2A में रखा गया है, लेकिन इसमें जो कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती है, चिकन और फिश इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें पॉर्क बीफ और लैम्ब के बारे में बताया गया। मतलब ये सारी चीजें अगर आप खाते हो तो कहीं ना कहीं आप कैंसर की ओर भी अग्रसर धीरे धीरे हो रहे। और ये धीरे धीरे मैं वर्ड बार बार क्यों यूज कर रहा हूं इसे भी मैं आर्टिकल में आपको समझाऊंगा कि ये चीजें धीरे धीरे ही होती हैं और आप अनभिज्ञ होते हो कि आप कैसे कैंसर की ओर अग्रसर हो रहे हो। आपकी फूड से, आपके एडिटिव से, आपकी मेडिसिन से, पॉल्यूशन से, अल्कोहल से, सन मतलब सन्स के रेज से, आप किस चीजों में काम कर रहे हो, कहीं माइंस में काम करो, पॉल्यूटेड जगह पे काम करो, किस जेंडर में हो, किस चीजों से इन्फेक्शन हो, चाहे आप जो भी चीजें खा रहे हो, ये सारी चीजें जो है आपको कैंसर की ओर धीरे धीरे अग्रसर करवाती हैं। अब देखो आर्टिकल में आगे बढ़ता हूं। द डेट लाइन अगर 2018 का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज देखे तो इसमें क्या हुआ, मॉनसून बहुत अच्छा हुआ इस बार। मॉनसून एक तरफ बहुत अच्छा हुआ लेकिन दूसरे एक पार्ट ऑफ कंट्री जो है ये हार्वेस्ट कर रही थी, हमारे किसान जो है अच्छा उपज काट रहे थे, और दूसरी तरफ जो है हमारी जो कंट्री थी वो गैस्ट्रोनेटिस हो गया, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस हो गया, या फिर डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ऐसी चीजों की जो है इसमें रेट हमने बढ़ते हुए देखा और इस चीजों से जूझ रहे थे। कहीं हम लोग किसान जो
बम्पर हार्वेस्ट थे, तो कहीं हमारे देश में जो हैवी फ्लडिंग हो रही थी, कहीं जो इंडो गंगेटिक जो प्लान था वो मतलब 500 मिलियन ऐसे पीपल थे बीइंग अफेक्टेड बाय द फ्लू, ऐसे दो दो फ्लू आए हमारे केरल जैसे स्टेट में अभी हमने देखा, वंस द फ्लड वाटर एंडेड, और जब ये पानी मतलब बाढ़ की पानी जब खत्म हो गई तो जो चीजें हमें देखने को मिली वो बहुत ही दिल दहराने वाली थी। और दिल दहराने वाली बात ये थी कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है, जो हमारा टैप वाटर, जो हमारे घर में जिस चीजों के लिए हम लोग पीने के लिए और जो घर के यूज के लिए करते हैं, उस पानी में जो लेवल था फ्लोराइड का, मरकरी का, बेटा इंडोस्पलॉन का, हेप्टाक्लोर का, ये सारी चीजों का, जो मिनरल्स, ये सब जो जो कंपोनेंट्स मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, इसके कम जो मतलब ये बहुत ज्यादा ही उसमें बढ़े हुए थे। नवंबर 2018 की कुछ न्यूज अगर देखा जाए कि किस तरह के न्यूज बनेंगे, तो क्रॉप बर्निंग इन द नॉर्दर्न इंडिया में भी स्टार्ट हो गया। इससे क्या होगा, इंक्रीज द कोल एंड द वुड बर्निंग, और अभी ठंड आने के कारण लोग जो है लकड़ियां जलाना, कोयले जलाना, या फिर ड्यूरिंग आप डे टाइम में अगर चलो तो मतलब वो मतलब घरा कोहरा के कारण जो होता है सनलाइट जो है वो ट्रैप हो जाता है, सनलाइट जो है हमारी पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता है, जिससे क्या होता है ब्रीदिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और नाइट के समय जो कोहरे के कारण जो है चीजें दिखनी बंद हो जाती है, और जो है एक्सीडेंट जैसी चीजें भी होने लगती है। दिसंबर 2018 में क्या चीजें होगी जो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कि पार्टिकुलेट मैटर जो होगा जो पॉल्यूशन के कारण होता है वो आपके छतों तक पहुंच गया है, और अगर आप छत पर कहीं घूमने शाम में निकल रहे हो तो आपको पता चल रहा है आपको मास्क वास्क पहन के आपको ऊपर जाना पड़ रहा है। जनवरी 2019 में इंडियन नेशनल कैंसर स्टैटिस्टिक्स को पता चलने वाला होगा कि लगभग 500 मिलियन ऐसे जो ऑफिशियल केसेस हैं कैंसर से रिलेटेड उन्हें पाए गए, और जो हम लोग ट्यूबरक्यूलोसिस जो ग्लोबल कैपिटल इंडिया को कहा जाता है, सबसे ज्यादा टीबी का मामला जहां पर पाया जाता है, इससे गवर्नमेंट की कितनी क्षति होगी, लगभग 300 बिलियन की क्षति हो गई। तो ये सारे न्यूज जो है ये हो सकते हैं हम इमेजिनरी आपको बता रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो फिक्शन वाली चीजें ये फैक्ट भी बन सकती है, और इसके कारण क्या है, इसके कुछ तो कारण मैनमेड होते हैं और कुछ तो नेचुरल कारण होते हैं। अब जैसे देखो मॉनसून एक बार हम लोग देखते हैं बहुत अच्छा आया, मतलब जो इस बार एंटर किया हमारे देश में मॉनसून बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो रिटर्निंग मॉनसून था वो उतना ही ज्यादा भयानक और कहर बरपाने वाला था, मतलब बाढ़ जैसी स्थिति केरल में आ गई। अनचेक इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाए और वेस्टर्न कंट्री को कॉपी करने के लिए चल दिए, लेकिन वो अनचेक्ड हो गई है, अब हम उसे चाहकर भी रोक नहीं पा रहे, और जिसका प्रभाव किस चीजों पे पड़ रहा है, वो हमारे खाने को, हमारे वाटर को, हमारे एयर को, ये सारी चीजों को पॉल्यूट कर रहा है। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड, अब हम लोग जो है फर्टिलाइजर्स की मदद से और फिर क्रॉप्स में इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं, आप जो सोचते हो कि हम जाके ग्रीन वेजिटेबल ला रहे हैं, आप सोच रहे हो कि हम जो फ्रूट्स खा रहे हैं, हेल्दी बनने की कोशिश कर रहे हो, मतलब ऐसे चाउमीन और चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खा के आप फ्रूट्स खा रहे, ग्रीन वेजिटेबल खा रहे, लेकिन आपको पता नहीं कि वही चीजें जो है वो जिस चीजों को आप फ्रेश समझ रहे हो वो फ्रेश है नहीं, वो आपको कैंसर की ओर धकेल रही है। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्रीब्यूट करती है किस चीजों के लिए कंट्रीब्यूट करती है, कार्सिनोजेंस मतलब क्या होता है, कार्सिनोजेंस मतलब होता है कैंसर काउजिंग फैक्टर, मतलब ये क्या होता है कि ये जो होता है ये आपके बॉडी में इनिशिएट कर जाता है, एंटर कर जाता है, और उसके बाद जो आपकी डीएनए है उसको डैमेज कर देती है, और नॉर्मल बॉडी का जो सेल आप में होता है उस सेल को डैमेज करके जो है वो कैंसर के लिए वो आपको जो है मतलब वो कैंसर जैसी बीमारियों के लिए आपको धकेल देती है। नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट की अगर मानो तो वो लोग मतलब इस चीजों को एग्री करते हैं कि ये जो डीप शिफ्ट डीप इनटू द इंडियाज फूड, और ये जो चीजें हैं ये इंडिया की फूड में हो गए, वाटर में हो गए, या फिर एयर चैनल्स में हो गए, वो सारी कार्सिनोजेंस जो है बहुत अंदर तक वो फैल चुकी है, और ये किस चीजों को इंपैक्ट करने वाला है, ये हमारे कैंसर सेंसर्स को इंपैक्ट करने वाला है, और ये हर उम्र के लोगों को, ये सिर्फ बूढ़े या बच्चे को नहीं, इवन यंग पीपल भी इससे अब अछूते नहीं रहेंगे। कुछ ऐसे चीजों को देखो तो सिगरेट का जो स्मोक होता है वो मतलब ये तो मैनमेड है ना, मतलब इसे तो आप नेचुरल नहीं कर सकते हो, ये हमारे द्वारा इंडस्ट्री बना के हमने सिगरेट बनाया, और सिगरेट से जो धुएं कर रहे हैं वो लगभग 200 ऐसे उसमें कार्सिनोजेंस के एजेंट्स होते हैं, जो कि मतलब लगभग और लगभग सेम होते हैं जो कि आप टोबैको को अगर च्यूम कर रहे हो। ड्रिंकिंग कार्सिनोजेंस कॉन्टेमिनेटेड वाटर, आपके अगर पानी कॉन्टेमिनेटेड हो गए और कार्सिनोजेंस कॉन्टेमिनेटेड वाटर को अगर आप
ड्रिंक कर रहे हो, अगर आप ऐसे फूड को खा रहे हैं जिसमें कार्सिनोजेंस की प्रेजेंस है, या फिर कोई भी ऐसी पेस्टिसाइड्स जहां पर ज्यादा यूज हो रही है, या फिर सॉइल कंडीशंस जिसमें कि निकेल हो गया या फिर लेड हो गया या फिर हैवी मेटल्स हो गए, ये सारी चीजों की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा हो रही है, तो अलाउज दिस कार्सिनोजेंस। तो इस सब के कारण ये क्या होता है, ये कार्सिनोजेन को अलाउ करता है कि आपके फूड चेन में इंटर कर जाए, और एक बार जब ये इंटर कर जाती है तो ये इंटरैक्ट करती है अप्रोक्सीमेटली 70 ट्रिलियन सेल्स, मतलब आपके बॉडी में ये जो बॉडी पार्ट है एक बार जो फूड के माध्यम से आपके अंदर घुस गई तो वो आपके पूरे सेल्स में जाकर वो मॉनिटर करने लगती है, देखने लगती है जहां पर भी आप, अगर आपका सेल्स जो है चलो बहुत अच्छे हैं, इसका डीएनए प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी आर द स्ट्रांग, आपकी जो डीएनए प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छी है, तब तो चलो उस सेल्स को वो वहां पर पीछे तोड़ देगी और उसे खत्म कर देगी। लेकिन अगर आपका बॉडी में सस्टेनेबिलिटी ज्यादा नहीं है और उसे सस्टेन नहीं कर सकती, तो वही जो कार्सिनोजेन है वो क्या करेगी, आपके सेल्स को इफेक्ट करेगी। और कैंसर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक सेल को अगर इफेक्ट किया तो वो धीरे धीरे आसपास के सेल को इफेक्ट करता है, और आसपास के सेल जो होते हैं वो फिर जो है पूरे बॉडी में फैलने लगती है, और फिर जो है आप बहुत ऐसी डिजीजेस के लिए, मतलब बीमारी जो होती है उसको आप लोग फिर रोक नहीं सकते, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो लोग कंटिन्यू ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग आपकी क्लॉटिंग रुक ही नहीं सकती, तो ये सारे कारण हो जाते हैं। और मतलब एंड इसका क्या होगा, ये एंड जो है मानो या ना मानो डेथ को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वोल्टेलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोग वीओसीज कहते हैं, इमिटेड इन द एयर, ये जो है एयर में फैलती है, और ये किस कारणों से फैलती है, ये भी आदमी के कारण ही, मैनमेड एक्टिविटी के कारण ही फैलती है, जैसे कि क्रॉप्स को बर्न करना। तो इससे क्या होता है कि ये जो वीओसी जो एलिमेंट्स है ये हमारे एयर में बढ़ जाते हैं, और उसका प्रभाव क्या होता है, सल्फर हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, या फिर मीथेन हो गया, ऐसी चीजों का हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें जो है चीजों का प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड मेनी ऑफ दिस वीओसीज आर नोन एज द काउज कैंसर। और यही जो है वीओसीज जो है बहुत ऐसी जो चीजें हैं इसमें जो कि कैंसर को भी करने में आजकल जो है सक्षम हो रही हैं, और ये खास करके कैसे चीजों में, थ्रोट के कैंसर हो गए, लंग्स के कैंसर हो गए, फूड पाइप्स के हो गए, या फिर स्टमक के हो गए, ये सारे कैंसर करने के सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रीजन क्या है, ये वीओसीज है। और ये वीओसी कहां से फैल रहे हैं, ये हमारे जो क्रॉप्स को हम लोग बर्न कर रहे हैं उस एक्टिविटी से। तो कॉन्स्टेंट एक्सपोजर ऑफ द डस्ट एंड द हाई पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द बुश, और ये बात सिर्फ क्रॉप की जलने की नहीं है, बात यह है कि फार्म के जो बुश है, वुड्स है, या फिर कोयले से जो मतलब फायर आपके निकलते हैं, धुएं निकलते हैं, ये सब भी धीरे धीरे जो एक्टिविटीज है आपको कहीं ना कहीं बीमार करते हैं। और एक बार जब आप बीमार पड़ जाते हो इन एक्टिविटीज के कारण, तो आपकी बीमारी धीरे और धीरे कैंसर को जो है वो अट्रैक्ट करने लगती है। इंडिया जो है अपनी ऐसे समय में जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर प्रिवेंशन पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मानो, तो वो रिकॉग्नाइजेस द लॉस ऑफ अपवर्ड 250 बिलियन बिटवीन द 2012 से 2030 के बीच। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, ये कैंसर जैसी बीमारी हमारे देश का उपज था ही नहीं, ये वेस्टर्न कंट्री से आया, वेस्टर्न कंट्री, हम तो भाई अपना क्या, हम चावल उपजाते थे और चावल और दाल खाने वाले व्यक्ति थे, हम ऐसे व्यक्ति थे जो कि अपने गेहूं उपजाते थे, गेहूं को जाकर मिल में पिसवाते थे और उसके आटे से रोटी बनाते थे और ताजी रोटी खाते थे, हम अपने बागवान में जो है सब्जियां उपजाया करते थे और सब्जियों को बनाकर खाते थे, ताजी सब्जियों को, हमारे घर में जो है आस पड़ोस में जो गाय भैंस वो सारी चीजें होती थी और इतना दूध देने के लिए वो कैपेबल थी कि हमारी जो नीड है उसको पूरा कर सकती, लेकिन कोई भी चीजें हमारी ग्रीड को कभी भी पूरा नहीं कर सकती। हम लोगों ने क्या किया, हम जो है वेस्टर्न को देखकर हमने जो है जो ताजी रोटियां खाते थे उस ताजी रोटियों को कन्वर्ट करने लगे, किससे, ब्रेड से, और मार्केटिंग का इस दौर में हम जो ताजी सब्जियां खाते थे उस सब्जियों को हम लोग जो पैकेज्ड आइटम में खाने लगे, अब जो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव का यूज करके एक महीने 15-20 दिन पुरानी जो सब्जियों हैं उस चीजों को आज लाकर हम लोग सिर्फ बॉयल करके खाते हैं और सोचते हैं कि ये सब्जियां हमारे लिए हेल्दी हैं, लेकिन ये सारी चीजें ही जो ही है वेस्टर्न कंट्री में जो कैंसर को पैदा कर रही थी हमारे देशों में भी फैलने लगी। तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये सब चीजों को बनाने के लिए, हमारी गवर्नमेंट कभी पैसे खर्च नहीं करती थी, तो ये जो पैसे जो है अब जो है गवर्नमेंट को खर्च करने पड़ रहे हैं
कैंसर को लड़ने के लिए। और जब ये पैसे इसमें इसलिए बोला गया कि ये जो है लॉस क्यों बोला जा रहा है, इसमें लॉस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये पैसे को हमारे कंट्री में डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता था। ये जो पैसे 250 बिलियन कम पैसे नहीं होते, 250 बिलियन पैसे जो गरीबों को उनके खाना देने के लिए, आपूर्ति करने के लिए यूज किया जा सकता था, लेकिन ये पैसे जो अब हमारा जो है डेविएट हो रहा है, ये पैसे जो अब हम कैंसर जैसी चीजों के लिए, जूझने के लिए हमें यूज करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। द एक्सपोनेंशियल राइज इन द कैंसर ड्रग। और ये चीज अभी देखो ना कि कैंसर जैसी जो बीमारी है, ये छोटी मोटी बीमारी नहीं है, और इसके जो मतलब ड्रग्स होते हैं, इसके जो मेडिसिन होते हैं, ये बहुत सस्ते नहीं होते। ये बहुत मतलब पैरासीटामोल जैसा ये नहीं है कि 1 रुपये में आप मेडिकल की दुकान से जाकर खरीद लोगे। इसके जो खर्च होते हैं इसके दवाई के, ये बहुत ज्यादा महंगे दवाई होते हैं, और इसे तो मतलब नॉर्मल फैमिली वाले इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च बहुत सारे ऐसी चीजों को लॉन्च करने की कोशिश की, कैटेगरी ए हो गया, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बहुत चीजों को कर रही है, इंडियन मैसिव पॉपुलेशन, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है हमारे इन्वायरमेंट हमारे ऊपर, इस चीजों को हम लोग समझ नहीं पा रहे। चीजों को इम्प्लीमेंट करना और इम्प्लीमेंटेशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या उस गोल को अचीव करने में हम लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये दो अलग अलग चीजें हो जाती है। और देखो हमारा तो एक क्या है, हम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन जब ज्यादा होगा तो वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को आप नहीं रोक सकते, इन्वायरमेंट के फैक्टर्स भी वहां चेंज हो जाते हैं। आप वहां का जो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आपको रहने के लिए घर चाहिए, रहने के लिए जब आप घर ढूंढोगे तो वैसे चीजें होंगी जहां पर जो एग्रीकल्चर होता था, जहां पर जो फॉरेस्ट होता था, आप जो है मकान बनाने के लिए चले जाओगे। तो ये सारी चीजें जो है बहुत एक दूसरे को इफेक्ट कर रही है, और जिसे हम लोगों को समझने की जरूरत है, हमें जो है अपने आप में सेल्फ रिलायंट बनने की जरूरत है। दुनिया को जीने का सलीका भारत ने सिखाया, और आज भारत अपने आप को इतना मतलब कमजोर, अपने आप को नीच समझ रहा है कि हमेशा हर चीजों को वेस्टर्न कंट्री को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। अब देखो वेस्टर्न कंट्री में 8 में से लेकर लगभग 5 लोग जो है वो कैंसर से पीड़ित हैं, और ये सिर्फ वहां पे नॉर्मल पीपल की बात नहीं है, वहां के जो लोग हैं सेलिब्रिटी हैं वो लोग इससे पीड़ित हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें को हम लोग इजीली अवॉइड कर सकते हैं अगर हम लोग कुछ ऐसे प्रिवेंटिव इश्यूज लें, अगर हम लोग अपनी अपनी जो मतलब हमारा इंपॉर्टेंस है उस चीजों को समझे। वी मे बी रेचिंग द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और इस चीजों को अगर हम लोग जल्द से जल्द नहीं समझे तो हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे समझ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, जहां हमें इस चीजों को रोकना बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और हम लोग उतने डेवलप्ड कंट्री भी नहीं है कि मतलब अगर इस चीजें हमारी कंट्री में फैल गई तो हमारे नॉर्मल पीपल, हमारे कॉमन जो फैमिली वाले लोग हैं, इसके ड्रग्स को, इसके मेडिसिन को अफोर्ड कर सके। तो इसे हम लोग बहुत गंभीरता से हमें देखने की आवश्यकता है। ये देखो पहली बात जो इस आर्टिकल में बढ़ू, उससे पहले मैं बताता हूँ आपको, ये जो सुपर SMS और ये जो सुपर सीडर, दो ऐसे जो चीजें दी गई है, इक्विपमेंट दिए जाते हैं किसानों को, दिए जा रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, और जो हम लोग रेसिड्यू जो बर्न करते हैं, यहाँ पर देख रहे हो ना, जब आप एक बार क्रॉप काटे, क्रॉप काटने के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है वो क्रॉप को क्या करते हैं वहाँ के किसान, ऐसे असेंबल करते हैं और जला देते हैं। तो इसको जलाने से क्या इफेक्ट होता है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूट करता है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, उसके बाद द सूट पार्टिकल जो हम लोग देखते हैं वो बढ़ जाती है, बायोडाइवर्सिटी, कार्बन का लॉस ऑफ द सॉइल फ्लोरा एंड फौना, डिटोरिएट द सॉइल फैसिलिटी, और फिर लॉस ऑफ द प्लांट एंड न्यूट्रिएंट्स, बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें इसमें इंपैक्ट होती है। अब देखो आर्टिकल में क्या बातें बताई गई, अभी NCR में जो है फॉगी बिगनिंग जो है ऑटम का स्टार्ट हुआ, द एयर क्वालिटी, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो है वो पुअर होना स्टार्ट हो गया। ये पुअर होना स्टार्ट हो गया, ये मतलब ये नहीं कि हमारा एयर क्वालिटी बहुत अच्छा था और पुअर हो गया, हमारी एयर क्वालिटी पहले से मॉडरेट या सेटिस्फैक्ट्री ही, लेकिन उससे अब जो है हम लोग पुअर की ओर अग्रसर हो गए। ग्रेडेड एक्शन प्लान, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हमारे जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी को बोला कि हमें एक ग्रेडेड एक्शन रेस्पॉन्स प्लान बनाने की जरूरत है, और हमें वेट नहीं करना है कि जब ये मतलब अलार्मिंग सिचुएशन पे पहुंच जाए तभी हम लोग कुछ एक्शन लेंगे, इससे बेहतर ये कि हम लोग शुरुआत से कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर लें। तो बैन ऑन द डीजल जनरेटर, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, पहले की डीजल से चलने वाले जितने जनरेटर थे उन्हें बंद कर दिया, या फिर जो कंस्ट्रक्शन में चीजें यूज होती है जिसका हम लोग डीजल या फिर चीजों का यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें हमने बंद कर दी। लेकिन उसका बंद करने का क्या कोई प्रभाव पड़ा, उसको बंद करने के बाद भी जो हमारी एयर की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं सुधरी। फेलियर टू चेक द क्रॉप रेसिड्यू, अभी जो हम लोगों ने पंजाब और हरियाणा के जो मतलब किसान होते हैं जो कि क्रॉप्स को जला देते हैं, उस चीजों को भी हम लोग रोकने में सक्षम नहीं हो पाए। फार्म फायर, जो मतलब किसान लोग जो वो क्रॉप्स को जला देते हैं, ये क्या कंट्रीब्यूट करता है, लीड 70% ऑफ द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल।
वो हमारी जो जो मतलब इन्वायरमेंट है उसमें 70% कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ा देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड इतना डेंजरस गैस होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट से खत्म होने के लिए, फेड होने के लिए लगभग 150 वर्ष लगता है इसे। ये मतलब 1 या 2 दिन में आप जो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को खत्म नहीं कर सकते। द प्रॉब्लम केम विद द लाइट मोर देन अ डिकेड अगो। लेकिन ये सारे जो प्रॉब्लम है कि मतलब किसान जो है फसल को जला देते हैं, ये हमें 1 साल पहले पता नहीं चला, ये हमें लगभग 10 साल पहले पता चला। लेकिन बात यह है कि 10 साल पता चलने के बावजूद भी हम लोगों इस पर अभी तक जो है कंट्रोल नहीं कर पाए। अभी जो है गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज लाई कि अगर आप मान लो कि ऐसे अपनी क्रॉप्स को जलाते हो तो आपको कुछ फाइन देनी पड़ सकती है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट इंक्रीज किया कि लगभग 50 से लेकर 80% जो है लोगों को सब्सिडी मिलेगी। वैसे 2 मशीन्स के लिए, हैप्पी सीडर्स और सुपर SMS के लिए, ये 2 ऐसे मशीन्स है जिसका मशीन का यूज करके जो क्रॉप्स के रेसिड्यू होते हैं उस रेसिड्यू को खत्म किया जा सकता है। द पॉलिसी डज नॉट सीम टू बी द प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारी जो पॉलिसी जो भी हम लोग बना रहे हैं वो डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव नहीं कर रही। फार्मर शिफ्टेड टू द क्रॉप बर्निंग नियरली 2 डिकेड अगो। ये जो फार्मर्स हैं ये क्रॉप बर्निंग जैसे चीजों को करना कब स्टार्ट किए, ये लगभग हम 2 दशक पहले ही स्टार्ट कर दिए। और क्यों? क्योंकि एक्सपेंसिव एंड द टाइम कंज्यूमिंग। और जो भी अलग मेजर होंगे, मतलब क्रॉप्स को कहीं जाकर डंप करना या क्रॉप से कुछ चीजों को बनाना, या फिर जो है वो टाइम भी तो ज्यादा लगता है ना कि मैनुअल लेबर को लाना, क्रॉप्स को एक एक काट के हटाना। तो इससे आसान ये होता है कि एक माचिस की तिल्ली मारो और पूरे के पूरे क्रॉप्स जल गए। और ये चीजें करने के लिए हम ही उनको प्रेरित भी किए थे। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था तो हमारे नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम के जो लोग थे वो लोग उनको एडवाइस करते थे कि आप जो है मतलब दूसरे क्रॉप को रोपने से पहले अपने जो फील्ड है उसको क्लियर करो, उसको साफ सुथरा किया करो। तो वो सफाई करने का उन्होंने माध्यम ढूंढ निकाला, सबसे आसान माध्यम क्या, माचिस की तीली से उस सारी चीजों को जला देना। दे डू नॉट हैव द ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस। देखो दूसरी बात यह कि ये जो हम लोग पॉलिसीज बना रहे हैं और जो हम लोग किसानों के लिए कर रहे हैं, क्या ये मशीन को खरीद लो, तो वो मशीन क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि उनके पास जो है ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस नहीं है। और किसान भी अब तक उस चीजों से अवगत नहीं हो पाए। किसान अनपढ़ लोग, वो लोग कैसे समझेंगे कि वो जो रिसेंट मशीन है उसका हम लोग कैसे यूज करें, या फिर उनको समझाना कि वो पॉल्यूशन को हमें बहुत ज्यादा डिग्रेड करता है, हमारी कंट्री को मतलब बहुत अलार्मिंग सिचुएशन पे पहुंचा सकता है। ये सारी चीजें उन्हें समझानी होगी। हेवी रेन डैमेज, और ऐसी स्थिति में अभी जो बारिश हुई जिसके कारण उनके क्रॉप बर्बाद हो गए और फिर तो डीजल के प्राइस अधिक हो गए, तो वो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? वो देखो जो मतलब जो मशीन जो बोल रहे हैं कि उसमें सब्सिडी दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है मतलब अगर आप अकेले जाकर खरीदते हो तो आपको 50% सब्सिडी, अगर 5-6 किसान एक साथ जाकर मिलकर खरीदते हो उस मशीन 2 मशीन को तो वो मशीन से क्या होगा, आपको 80% की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। तो सब्सिडी देने से क्या होगा, मान लो वो मशीन अगर वो मान लो कि रेंट पर भी खरीद के ले आए, कहीं से लेकर आ गए, लेकिन उसमें डीजल और पेट्रोल तो ना चलाने में, डीजल और पेट्रोल आपकी 70-72 रुपए बढ़ गई है, तो वैसे में किसान क्या करेंगे? उनको मतलब 50 पैसे की माचिस ही सस्ती लगती है इन कंपैरिजन टू द ये सारे मशीन्स के। इनक्लाइन टू बर्न टू द वेस्ट एंड द फेस दर। और ऐसे में वो अगर उन पे कुछ फाइन लगती भी है तो वो फाइन को एक्सेप्ट करने को तैयार है, जबकि मतलब वो जो मशीन खरीदेंगे और सिर्फ 2 दिन एक साल में 2 या 3 दिन यूज करने वाले हैं और बाकी सालों के सालों भर जो है वो मशीन जो है रखा हुआ रहेगा। इट्स फोकस हैज बीन ऑन द Reducing the wastage at the, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो भी कहीं हम लोग जो देखते हैं वो हम मतलब डिफरेंट है, वो मतलब रिड्यूसिंग द वेस्ट, वो वेस्ट को रिड्यूस करने के प्रति जो ज्यादा फोकस्ड हो गया, ना कि मतलब वो हम लोग कैसे इस चीजों को बाहर कर पाए। एंडिंग द क्रॉप बर्निंग वुड रिक्वायर एंगेजिंग विद द फार्मर्स ऑन द सेवरल लेवल। तो मतलब इसका मूल बात ये हुई 100 बात की एक बात कि अगर हमें क्रॉप बर्निंग जैसे सिचुएशन को खत्म करना है तो पहले हमें फार्मर्स से एंगेज करना होगा, उन्हें बातें करना होगा, उन्हें चीजों को समझाना होगा, उनके ग्राउंड की रियलिटी को समझना होगा, एंड नॉट जस्ट द सब्सिडाइजिंग, सिर्फ उन्हें सब्सिडी देकर और उन्हें बोलकर या फिर उन्हें डंडे से बताकर कि आपको फाइन देना पड़ेगा, उस चीजों से हम लोग किसानों की स्थिति को चेंज नहीं कर सकते और ना ही उन्हें हम लोग क्रॉप बर्निंग करने से उन्हें रोक सकते हैं। क्योंकि मैं आपको समझाया कि वो फाइन लेने के लिए, फाइन देने के लिए तैयार है, लेकिन उनको जो है इतने महंगे डीजल और पेट्रोल का खर्च उठाना और वैसे मशीन को खरीदना जो कि सिर्फ 2 दिन का यूज है, बाकी सारे दिन वो रखे रहेंगे, वो इस चीजों को नहीं करेंगे। तो उन्हें जब तक हम लोग इन सारी चीजों से अवगत नहीं करवाएंगे वो इस चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट
नेक्स्ट आर्टिकल है जिसमें हम लोग देखेंगे कि मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन का क्या क्या चैलेंजेस है। आर्टिकल में कहा गया नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट कहे जाते हैं। ये है क्यों? क्योंकि ये देखो लिबरल रिसोर्सेज एंड द ट्रांसपोर्ट डिस्पेंसर, मतलब यहाँ पर की स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होने के कारण जो है इसमें मतलब जो भी पैसे जो भी पॉलिसीज बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट उसे स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो मतलब लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सारी पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है वो डायरेक्ट और डायरेक्ट बेनिफिट जो है उन लोगों को मिल जाती है। और वो जो स्पेशल स्टेट्स होते हैं वो स्टेट्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो होते हैं हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस के कारण, उनके ज्योग्राफिकल रिमोटनेस के कारण, या फिर जो मतलब उनके पॉपुलेशन है बहुत स्पार्स है, या फिर स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण मतलब बॉर्डर के आसपास के एरिया में अगर वो पाए जाते हैं तो वैसे कंट्री को हम लोग क्या कहते हैं स्पेशल स्टेट्स के स्टेटस की कैटेगरी दे देते हैं। द इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी हम लोग देते हैं वैसे लोगों को जो कि मतलब वहां पे शेड्यूल ट्राइब में बिलोंग करते हैं और खास करके नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम हो गया, इन सब लोगों को जो हम लोग इनकम टैक्स में भी एग्जम्पशन देते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स अफर्मेटिव एक्शन जो हमें बात करती है हमारा संविधान अफर्मेटिव एक्शन के, उसके तहत क्या होता है कि वहां के जो एसटी के लोग होते हैं उनको हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए और फिर हायर एजुकेशन के लिए भी हम लोग प्रमोट करते हैं और उसे जो है गवर्नमेंट हर संभव कोशिश हेल्प करने की कोशिश करती है। तो ये सारी चीजों के कारण, ये सारी पॉलिसीज होने के कारण क्या होता है कि मतलब बहुत सारी जो है वो सब्सटेंशियल चेंजेस आज हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इस चेंजेस के अलावा जो है बहुत सारे चैलेंजेस है जिन्हें हमें मीट करना है। द लिटरेसी रेट अगर देखो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का तो मतलब मोर देन द नेशनल एवरेज, ये नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा बेहतर है। और ये मिजोरम का तो बहुत हाईएस्ट 91.3% है ना। अगर देखो सेक्स रेशियो की जब मैं बात करता हूं तो ये भी हमारे नेशनल एवरेज 2011 के सेंसस से बहुत अच्छा है। और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए वो जो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट अगर देखा जाए तो वो भी हमारे नेशनल एवरेज के बिलो है। मतलब मणिपुर में अगर देखो तो ये सबसे लोएस्ट 11 डेथ, मतलब हजार हजार ऐसे बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 11 बच्चों की ही मौत हो रही है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैड अ पॉवर्टी रेशियो की अगर जब मैं बात करता हूँ तो ये भी मतलब बहुत अच्छा मतलब इसका स्टैटिस्टिक्स है नेशनल एवरेज के मुकाबले। तो ये सारी चीजें हमें बताती है कि हमारा देश जिस चीजों पे प्रोग्रेस कर रहा है, जिस स्थिति में है, उस स्थिति से जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो वो अछूता नहीं है, वो वहां की स्थिति वहां से कहीं ना कहीं और ही बेहतर कही जा सकती है। लेकिन कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी है। कुछ डिसअपॉइंटमेंट में क्या, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में जो ड्रॉप आउट के रेट है वहां पे वो बहुत ज्यादा है। और जो अरुणाचल प्रदेश का अगर देखा जाए तो वो 23.6% ड्रॉप आउट रेट फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल। मतलब एक बार आपने जैसे सर्व शिक्षा अभियान जो हमने चलाया तो उसमें हमारा क्या फोकस था कि सभी के सभी बच्चों को इनरोल करना स्कूल के लिए, सभी के बच्चों को स्कूल में भेजना। लेकिन जो बच्चे मान लो स्कूल गए 5 दिन गए 10 दिन गए या फिर मान लो 1 साल पढ़ लिए उसके बाद वो जो है स्कूल जाना ही बंद कर दिए तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं ड्रॉप आउट रेट। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ रूरल क्लासरूम, मतलब वहां की जो क्लासरूम है खास करके गांव वाले एरिया में उसकी क्वालिटी बहुत ही बदतर कही जा सकती है। और फिर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अगर देखा जाए हायर एजुकेशन का, मतलब कितने लोग जो है हायर एजुकेशन के लिए इनरोल होते हैं, हायर एजुकेशन को पाना चाहते हैं, तो ये सारी जो डेटा है वो भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। हेल्थ सेक्टर में अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरीज होती है, मतलब जो माँ होती है और जो जाकर हॉस्पिटल में जो बच्चे को जन्म देती है वो बहुत ही मतलब वहां पर बुरा कहा जा सकता है। और वो सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा ये सब जो है बहुत ही बुरा इसमें परफॉर्म कर रही है। तो मणिपुर हैज द हाईएस्ट एडल्ट प्रीवेलेंस ऑफ द एचआईवी। और साथ ही साथ मणिपुर ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर एचआईवी जैसे केसेस हमारे पूरे देश में देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट है। और फिर मिजोरम और नागालैंड भी जो है उसको कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है। हाई टोबैको कंजम्पशन, पुअर हाइजीन और फिर डाइटरी हैबिट, जैसा अभी हमने फर्स्ट आर्टिकल में देखा कि कैंसर करने के लिए ये सारे जो है मतलब रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इंसिडेंट्स रेट्स बीइंग द डबल द नेशनल एवरेज, तो ये सारे जो कैंसर से रिलेटेड इशू है, ये इंसिडेंट है, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत ज्यादा मतलब दुगने हैं यहाँ पर। तो अब्सेंस ऑफ द एडिक्वेट, और ऐसी स्थिति में एक तो वहां की स्थिति बदतर होती ही जा रही है और दूसरी बात जो एडिक्वेट डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट फैसिलिटी, मतलब हॉस्पिटल होना या फिर अगर वैसी कुछ चीजें होती उसको पहले हम लोग डायग्नोसिस कर लेना, तो ये सारी चीजें भी वहां पर जो है बहुत अच्छी नहीं है जो, और ये जो है मतलब आग में घी डालने का काम करती है। टोरेंटियल मॉनसून, और देखो वहां का जो रोड मतलब वगैरह है वो भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, मतलब
रोड एरिया से आप जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से अगर चाहो बाय बस मतलब नागालैंड पहुंच जाओ तो ये पॉसिबल नहीं है। और जो रोड है वो बॉर्डर एरिया पे या फिर जो स्टेट हाईवेज भी हैं वो सारी चीजें भी मतलब वहां पर लगातार जो मॉनसून होता रहता है या फिर मड स्लाइड होते रहते हैं उसके कारण जो है वहां के रोड की स्थिति वो गंदी हो जाती है, वो रोड में गड्ढे पड़ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में वहां की रोड जो है हमें डिफरेंट मैकेनिज्म से बनाने की जरूरत होती है। ऑन द एम्प्लॉयमेंट फ्रंट अगर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति वहां देखो तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का क्या है वो तो हायर देन द नेशनल एवरेज, मतलब वर्क पार्टिसिपेशन की जब मैं बात करता हूँ वर्क पार्टी एक्सेसिव, लेकिन वहां के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा किस चीजों पे डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट की जॉब्स पे डिपेंडेंट है। और जो गवर्नमेंट जॉब्स पे डिपेंडेंट होने के कारण क्या होता है, एजुकेटेड जो वहां के यूथ होते हैं वो प्रीफर करते हैं वो मतलब रिलोकेटिंग जॉब्स के लिए प्रीफर नहीं करते, मतलब उन्हें शुरुआत में ही एजुकेशन लिए और गवर्नमेंट की कुछ कुछ पॉलिसीज के कारण जो है उन्हें गवर्नमेंट की जॉब मिल गई। और जब किसी को गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है तो वो दूसरे जॉब में आखिर क्यों जाएगा। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो जो रेशियल प्रिजुडाइस और फिर डिस्क्रिमिनेशन का फॉलो करते हैं, मतलब अगर आपको कुछ नागालैंड के व्यक्ति अगर दिख जाए तो आपके मन में सबसे पहले आता है कि क्या ये चाइनीज है, कि मतलब आपके मुंह से ये फ्रीक्वेंटली अपने आप निकल जाता है। लेकिन इसे समझने की जरूरत है कि वो भी हमारे ही देश के व्यक्ति हैं और वो हमारे इंट्रिंसिक पार्ट है, वो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, उनका सेफ रहना और उनके हमारे देश से कनेक्टेड रहना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इन सब के बीच सबसे बिगेस्ट चैलेंजेस क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का होना। आप जैसे नोएडा जैसे सेक्टर में देख लो, बैंगलोर देख लो, हैदराबाद देख लो, पुणे देख लो, यहाँ पर लोग आकर फॉरेन एंटिटी के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही है, प्लांट्स बन रहे हैं। लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट के रीजन में देखो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और ना हाई ग्रोन एंटरप्रेन्योरशिप, और वहां के जो लोग हैं वो कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर भी निकल कर नहीं आ रहे वहां से ताकि वहां की स्थिति सुधर सके, इन द एब्सेंस ऑफ द क्लियर एंड द टाइटल कॉलेटरल। और देखो वहां जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो बैंक भी जो है वहां पे मतलब इन्वेस्टमेंट या लोन देने के लिए वहां पर हिचकती है, क्यों, कॉलेटरल की कमी से। कॉलेटरल मतलब क्या हो गया, कॉलेटरल की कमी इसलिए क्योंकि वहां की जो लैंड यूज की पॉलिसीज है वो मतलब गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज के कारण वहां के बाहर के लोग वहां लैंड आकर खरीद नहीं सकते, आपकी जिस कम्युनिटी में बिलोंग करते वही कम्युनिटी के लोग ही उस लैंड को ले सकते, आप बहुत सारे लैंड को तो बेच तक नहीं सकते। तो ये सारे पॉलिसीज के कारण अगर गवर्नमेंट आपके लैंड को एज ए कॉलेटरल भी समझेगी तो लेने के बाद मान लो अगर आप पैसे नहीं चुकाते हो तो आपको जमीन को तो बेचने में असक्षम है बैंक, जो बैंक वो बेच नहीं सकते, तो जिस कारण से जो है वो इन्वेस्टर जो वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। इनर लाइन रेगुलेशन जो हम लोग देखें, इजियर फॉर द टूरिस्ट, आप लोग जैसे कहीं घूमने की प्लानिंग बनाते हो आपको छुट्टी मिल जाती है, ठीक है, आप जो मान लो कि एग्जाम दे देते हो आपको लगता है कि 7 दिनों के लिए कहीं घूम कर आए तो पहले माइंड में कहाँ आता है, कुल्लू जाएंगे, मनाली जाएंगे, शिमला जाएंगे, आसपास कहीं पर घूमने जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, पुणे जाएंगे। लेकिन कभी आपके माइंड में आता है क्या हम लोग नागालैंड घूम कर आएंगे, कभी माइंड में आता है क्या त्रिपुरा घूम कर आएंगे, क्या त्रिपुरा में हमारे मतलब घूमने लायक जगह नहीं, वो भी हिली एरियाज है, वो भी हिल स्टेशन है, बहुत ऐसे मतलब और मस्जिद वहां पर भी मिलते हैं, तो ये हमारे माइंड में क्यों नहीं आता, क्योंकि ऐसी पॉलिसीज होने के कारण वहां पर हम जो है एक तो ठीक ढंग से पहुंच नहीं सकते और मतलब वहां की ऐसी पॉलिसीज भी है और वहां की ऐसी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रिटिश इरा से आते जा रहे हैं और हम लोग टूरिज्म के लिए भी हमारी गवर्नमेंट जो चीजों को प्रमोट नहीं करती, जिन सबके कारण जो है वहां की स्थिति और भी दयनीय बनती जा रही है। लेकिन इन सब चीजों को हम लोग मतलब सुधार सकते हैं। अभी हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है खास करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अभी हमने देखा कि बहुत वैसे जगहों पर भी जो मतलब जो एयरपोर्ट का बनाना या फिर जो है नेशनल हाईवे बॉर्डर एरिया में लगातार बनाए जा रहे हैं और ये सब जो पॉलिसी चल रही है और लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो है हमें और भी ज्यादा ध्यान लेने की जरूरत होगी ताकि जो उसका स्पेशल टैग है वो सचमुच हमारे देश के वो जो है स्पेशल जो स्पेशल स्टेट्स बनकर निकले और जो है मतलब उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है लेकिन उस पोटेंशियल का वो लोग हम यूज नहीं कर पा रहे और गवर्नमेंट भी जो है ऐसी पॉलिसीज नहीं बना पा रही कि उसके पोटेंशियल का हम लोग यूज सही ढंग से कर पाए। तो इतना ही था आज के डिस्कशन में, हम लोग जो है नेक्स्ट कल फिर से देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल आए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।